अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। भाई जुम्मे का दिन है, आप सबसे गुजारिश है कि सबसे पहले तो नमाज की तैयारी करी जाए, ताकि जुम्मे का दिन है, नमाज वमाज के लिए इंसान उसूल करे और तैयारी व्यारी करे और सूरह काफ की तिलावत करके फिर जो है वो जुम्मे की नमाज के लिए निकले अपने अपने घरों से। भाई ठीक है, और जो खवातीन है वो घर में ही पढ़ लें, ठीक है। इंशाल्लाह फिर आज की जो भी अपडेट्स होती हैं वो आपको बताते हैं। बस हम निकल चुके हैं काम के लिए, फिर अभी थोड़ी देर में वापसी होगी जुम्मे की नमाज के लिए, फिर खाना वाना खाएंगे घर पे, फिर उसके बाद जो है दोबारा से काम पे अपने। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। चाय पानी भी भागा क्यों है? अबे भाई तू भागा क्यों है यार? वीडियो चाय पानी दी ना तुझे? चाय पानी तो मुझे दारन तो ना उसको दे दिया। और ये तेरे को यूट्यूब पे देखनी पड़ेगी वीडियो। बोलने नहीं दिया भाई, पहुंच के फोन करना, ठीक है? चलो भाई बंद करो यार, नमाज फिर पढ़नी या नहीं क्या? चलो आज नमाज पढ़ने चलें भाई, ये जुम्मे का दिन है, नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, दोपहर का अब जा रहे हैं नमाज के लिए। ठीक है कासिम भाई, गेट खोल दो यार, ये भाई नमाज की तैयारी है, नमाज के लिए जा रहे हैं। जुम्मे के दिन आ गए भाई घर पे नमाज पढ़ने के लिए, खाना खाने के लिए। वैसे तो आते नहीं है खाना, ऑफिस में आता है। सही है, कहाँ हैं बच्चे सारे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हो रहा है, काम बना रहे हो? नमाज पढ़ने नहीं जानी है? कहाँ जाना है, कहाँ है बच्चे सारे? भाई जुम्मे का दिन है, आप लोगों से गुजारिश है कि सूरह काफ की तिलावत करें, ठीक है, इससे बहुत बरकत होती है, ठीक है। और अगले जुम्मे तक के लिए अल्लाह पाक आपको अपने जुबान में ले लेते हैं, और आपके जो मसाइल होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, बरकतें होती हैं पूरे हफ्ते के लिए, सही है। और अगले जुम्मे तक के लिए आसानियाँ हो जाती हैं। जज़ाक अल्लाह। चलो यार नमाज पढ़ने चलो भाई, आ जाओ यार जल्दी आओ। अभियान चलो नमाज पढ़ने चलो, जल्दी आ जाओ, जमात खड़ी हो रही है। हमारे जुम्मा का वक्त हो जाता है, नमाज पढ़ने मस्जिद आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलो भाई क्या हुआ, जल्दी से खाना दे दो भाई, नमाज पढ़ के आ गए, जल्दी से खाना दे दो। क्या खा रहे हो? भाई ये जुम्मे की नमाज, खाना खाने आज घर पे आए हैं, खाना चल रहा है माशाल्लाह से, स्टार्ट करने वाले हैं, इसको भी खाना आ जाए। अंडा रोटी है, पुलाव है, बाकी खा पी गया, इंशाल्लाह फिर जल्दी से निकलते हैं काम पे। जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह खाना वाना खा लिया हमने, अब खाना ना खाने के बाद अब दोबारा से जो है ऑफिस की तरफ रवाना दवा है काम के लिए। अब इंशाल्लाह जाके काम हम देखते हैं, फिर रात में वापसी होगी और जो भी सेटिंग होगी ऑफिस की आपको दिखाते रहेंगे और आपको लुत्फानंदोज करते रहेंगे। देखते हैं कोई फिल्म शायद मिल जाए, कोई आ जाती है ना फिल्में ऑफिस में हमारे, क्या पता कोई आज कोई आ जाए। ठीक है भाई, एक बार फिर बारिश का मौसम। क्या हो गया कारमन भाई, क्या है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? और वीडियो देखी आपने? अल्हम्दुलिल्लाह भाई अपने घर की तरफ हम रवा दवा हैं, जा रहे हैं फिर इंशाल्लाह, ये नमाज ईशा की अदायगी होगी घर जाके मस्जिद में इंशाल्लाह, उसके बाद फिर डिनर करेंगे इंशाल्लाह, खाना वगैरह खाएंगे फैमिली के साथ, फिर कल से वीकेंड स्टार्ट है, फिर वीकेंड है तो इंशाल्लाह फिर ससुराल डे भी है, तो दोनों काम होंगे, वीकेंड भी होगा फैमिली के साथ और फिर ससुराल डे भी होगा, फिर एक्टिविटीज आपको बताते रहेंगे कल की और वीकेंड की क्या क्या रहेंगी। ठीक है इंशाल्लाह अभी घर जा रहे हैं, घर में जो भी एक्टिविटीज़ होंगी उसके बारे में आपको बताते हैं। भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है अब अपने घर की तरफ रवाना हुए हैं। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हो गया भाई, आने की इतनी खुशी, खैरियत तो है मोहम्मद अंसारी साहब? क्या हो गया मोहम्मद, हाँ क्या हो गया इतनी खुशी?
नमाज पढ़ने जा रहे हैं, अभी इंतजार करो, नमाज के बाद फिर लेंगे। सही है भाई, ये रात खाने की तैयारी हो रही है। आज बनी है दाल और कच्चे कबाब। दाल बनाइए बेगम साहिबा ने और कच्चे कबाब बनाए। अब हम खाना खा रहे हैं, अब हम खाना खा रहे हैं, देर हो गई। आज मम्मा गई थी घूमने के लिए, अब खाना खा रहे हैं। खाना खा के आ गए, क्या खाया तुम लोगों ने? हम खा रहे हैं दाल और कबाब रोटी। आज लेट हो गया डिनर, बेगम साहिबा घूमने गई थी।